ये तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड वासियों को। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में मौजूद हैं और देखिए यहां से हरी झंडी दिखाते हुए बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बड़ी रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा यहां से 2 करोड़ नए पक्का मकान देने का कार्यक्रम भी है और अब इन सब परियोजनाओं का पीएम नरेंद्र मोदी रांची से ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए खराब मौसम की वजह से झारखंड में जो जमशेदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का जो रोड शो होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर पहुंचे हैं और यहां से बड़ी सौगात जो है झारखंड वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। राजधानी रांची से जमशेदपुर जाने का कार्यक्रम था और रांची और जमशेदपुर में मौसम खराब होने की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर जाना फिलहाल कैंसिल हो गया है। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अगर मौसम साफ होता है तो वहां पर भी वो जा सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति इस वक्त बनी हुई है और देखिए ये बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड वासियों को देते नजर आ रहे हैं। तो टाटा पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस, वाराणसी देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, टाटानगर बहरामपुर टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये तमाम जो ट्रेनें हैं जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हावड़ा धनबाद गया वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा दुमका भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा टाटानगर राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस, ये तमाम ट्रेनें जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जमशेदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। फिलहाल ये सब जो कार्यक्रम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि इस वक्त देखिए झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब है, लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है और आईएमडी की तरफ से भी झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। तेज गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है और ऐसे में खराब मौसम की वजह से जमशेदपुर का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का रद्द हो चुका है। लेकिन देखिए ये तमाम जो कार्यक्रम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है, ऑनलाइन इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। तो देखिए जानकारी यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिष्टुपुर मेन रोड से होते हुए गोपाल मैदान तक रोड शो करने वाले थे, ये प्रोग्राम था लेकिन ये रद्द कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि जमशेदपुर में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण पीएम नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर के कार्यक्रमों में शामिल रोड शो का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड वासियों को दे रहे हैं। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम झारखंड में किए गए, रांची में किए गए और पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर आतंकवाद निरोधी दस्ते की टीम के अलावा 5,000 से अधिक पुलिस अफसरों को जवानों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम को लेकर 115 इंस्पेक्टर 650 सब इंस्पेक्टर यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए रेल योजनाओं का भी आज उद्घाटन और शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, यानी आज बैक टू बैक बड़ी सौगात जो है पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड वासियों को देते नजर आ रहे हैं। तो देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर से आज इसकी शुरुआत करने वाले थे लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से जो ये कार्यक्रम है वो ऑनलाइन हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड के जमशेदपुर जाने का जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है और देखिए कोल्हान प्रमंडल के तहत जमशेदपुर इस लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि जेएमएम से भाजपा में आए पूर्व चंपाई सोरेन का गृह क्षेत्र सरायकेला इससे एक कदम सटा है और कोल्हान जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी तो ऐसे में कोल्हान का ये पूरा एरिया बीजेपी इन तमाम कोशिशों के जरिए साधने की कोशिश कर रही है क्योंकि कोल्हान प्रमंडल में भाजपा पिछली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ गई थी और यहाँ की 14 सीटों पर जो पार्टी का खाता है वो खुल नहीं सका था। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के रांची में मौजूद हैं और यहाँ से देखिए बड़ी सौगात जो है वर्चुअली हरी झंडी
तो झारखंड के रांची में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें कि मौसम विभाग के तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि झारखंड में लगातार कई जिलों में बारिश होगी और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि जमशेदपुर का जो दौरा है वो रद्द हो गया और रांची से ये ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं।